ओके सो बिफोर आई स्टार्ट किसी को कोई डिफिकल्टी हो सो प्लीज लेट मी नो फिर हम sir. आगे से करवाते हैं या ओके सर सेकंड ओके शी वेल फेस कम ऑन हेलो व्हाट शी वेल फेस ओके ओके अ हॉरिबल फेस डिस्क्रिप्शन ऑफ द गोट गोस्ट व्हिच वाज सीन एट नाइट जो रात को दिखता था ना वो गोस्ट उसका डिस्क्रिप्शन है ऐसा फेस था ऐसी ऐसी हॉरिबल वो दिखती थी एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन एक्सक्यूज मी सर यस आपने जो आज क्वेश्चन आंसर्स भेजे है इन द पीडीएफ फॉर्म उसको हमें लिखना है बुक में हाँ बेटा आप मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा कि आप उसको लर्न करो और फिर आप लिखो आपको लिखना है लेकिन कैसे आप पहले उसको लर्न करो फिर लिखो इन योर ओन वर्ड एडिंग समथिंग नहीं तो जो मैंने दिया आप उसको कॉपी करो इज नॉट अ गुड थिंग सो आप उसको पहले लर्न करो फिर लिखो फाइन चलो वेरी गुड इट मींस आप तक क्वेश्चन आंसर पहुंच गए अब आगे भी पहुंचेंगे आई विल कीप ऑन सेंडिंग यू सम ऑफ द गुड क्वेश्चन आंसर एंड आई विल राइट सम आंसर्स बाय माय ओन सम कॉमन पॉइंट्स और फिर कैसे लिखना है वन बाय वन मैं आपको लिखाऊंगा भी डिक्टेट भी करूंगा सो पेज 16 में पूरा वो जो इमेज के नीचे से है फिर से मैं आपके लिए स्टार्ट कर देता हूं तो पूरा ना कोई डाउट है वो भी सॉल्व हो जाएगा आपको पूरी स्टोरी पता भी चल जाएगी और हमारी ये स्टोरी अभी आज इसी पीरियड में खत्म हो जाएगी सो डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर भी आज हो जाएंगे हमारे डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा चलो ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ गोस्ट एट नाइट After that, ईश्वरन ने समझाना शुरू किया कि कभी कभी कैसे मुझे रात को गोस्ट दिखाई देते हैं गोस्ट कैसे होते हैं हमने डिस्क्रिप्शन बताया था राही हेमाक्षी रुशल चार्मी सब बेटा थोड़े बहुत वीडियो ऑन कर दिया करो कभी कभी चलो सो आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स मैं तो डरता हूं ही नहीं आई एम अ ब्रेव फेलो But one horrible ghost of a woman which appear off and on in the midnight during full moon. ये मैंने कराया था लेकिन कभी कभी क्या है एक horrible woman का ghost है जो full moon के दिन ही आता है I saw it sometime. So it is an ugly creature. ये सबसे ज्यादा horrible creature है And with matted hair and shriveled face. घुंघराले बिखरे हुए गंदे गुच्छम जैसे बाल है और shriveled अजीब सा पुराना घिसा पीटा पुराने बर्तन जैसा चेहरा है एंड लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूटस इन हिज आर्म अपने जैसे खोपड़ी हाथ में लेके रखा हो उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया हो मास्क पहनते हैं हॉरिबल ऐसा चेहरा है इस गोस्ट का सो महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली यू आर अ क्रेजी ईश्वरन महेंद्र को गुस्सा आ गया वो खुद डरा था इसलिए उसको डांटते हुए बोला देर आर नो सच थिंग्स लाइक गोस्ट और स्पिरिट It's a figment of your imagination. ऐसा कुछ भी होता नहीं है It's merely your imagination. ये गलत बोल रहे हो कुछ होता नहीं है Get your system digested examining. आप अपनी system, digestive system को examine करो ये सब क्या दिमाग में नया नया लेके आ जाता है भूत भूत ghost ghost कुछ नहीं होता खाली खाली खुद डर रहा है मुझे भी डर आ रहा है Understood that was the simple meaning of saying. लेकिन वो pretend तो ये कर रहा था कि उसको नहीं जैसे आप गिर जाते हो कभी गिरते हो गए और आप आपको चोट लगती होगी हेमाक्षी गिरी या राजवी गिरी या अपना ये दिव्यन गिर गया या प्रिशा गिर गई साइकिल चलाते चलाते गिर गए तो हम आजू बाजू में देखते हैं कोई पूछे लगा ना ना बिल्कुल नहीं लगा क्यों ऐसा लग रहा है ना ना हमारे लोग हम पे हंसेंगे लगा ही नहीं बिल्कुल नहीं लगा सो दैट काइंड वो डर रहा था और बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी होता नहीं है इट इज अ मेयरली अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन Get your digestive system examined. अपने दिमाग को examine करो. And maybe your head as well. दिमाग को भी. And you are talking nonsense. बेकार की बातें कर रहा है. He left the room. यहाँ से हमें आज करना है. इतना मैंने कराया था last time. He left the room and retired for the night. वो room छोड़ के चला गया. कब तक चला गया? जब तक रात नहीं हो गई. Expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. वो सोच रहा था कि ईश्वरन अब मेरे साथ बात करने वाला नहीं है क्यों क्योंकि उसकी स्टोरी को आज पहली बार मैंने सुना नहीं और उल्टा सीधा बोल दिया
कि अपने दिमाग का चेक करा, अपने पेट को चेक करा, फालतू बातें कर रहा है, अपनी इमेजिनेशन की बातें कर रहा है, ये भूत भूत कुछ होता नहीं है, फालतू फालतू बोलता रहता है, इतना सारा बोला। एक हमारा कुक जो बेचारा रोज हमें अच्छा अच्छा बना बना के खिला रहा है, सब्जियां बना देता है और सुबह टिफिन दे देता है, आप उसको ना बोल दो मम्मी आपको रोज खाना खिलाती है, पार्टी कराती है, दादा दादी स्टोरी सुनाते हैं, आपको ब्लैक मनी भी चुपचाप दे देते हैं, और आप दादा दादी को बोल दो, मम्मी को बोलो कि मम्मी तन तो बनावता नहीं आवड़तू, तो मम्मी क्या करेगी, मंदार मम्मी क्या करेगी, खाना ही बंद कर देगी, नहीं देना जा, रोज करेले की सब्जी बना के देगी। राही ध्वनि, मम्मी क्या करेगी, करेले की सब्जी बना बना के देगी। हाँ वृषल, मम्मी क्या करेगी, करेले की सब्जी देगी। लेखा, आज के बाद में ये मेरे साथ बात करने वाला नहीं है ईश्वरन। ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज मींस ईश्वरन वुड इग्नोर मी, मुंह फुला के घूमेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन ही वाज वेरी सरप्राइज्ड, महेंद्र को बहुत सरप्राइज हुआ, ईश्वरन वॉज वेरी टॉकेटिव एंड चीयरफुल। ईश्वर वैसे ही हंसी करने लगा, मजाक करने लगा, बात करने लगा, ही वॉज सरप्राइज, इस पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, ये तो जैसा पहले था ऐसा ही अभी है, ही सेम जॉली काइंड ऑफ फेलो, अ लाफिंग फेलो, इट्स गुड, अ चीयरफुल एंड टॉकेटिव पर्सन, बोलता बक 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 करता रहा। Talking, so from that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद में रोज महेंद्र जब सोने जाता था ना बेड पे, तो कॉन्फिडेंस से जाता था, लेकिन आज पहली बार जब महेंद्र सोने गया ना, तो डरते डरते गया, क्या कि वो कहीं चुड़ैल तो नहीं आ जाएगी ना, और चुड़ैल आ गई तो क्या होगा, और सोचो एक ऐसी चुड़ैल आए जो हनुमान चालीसा बोलो तो भी ना भागे, तो कैसी होगी, और उल्टा वो चुड़ैल हनुमान चालीसा बोले तो क्या होगा, महेंद्र थॉट लाइक इट। अभी तक वो जाता था सोने तो कॉन्फिडेंटली जाता था, अब वो जाने लगा तो थोड़ा डर के जाने लगा, आजू देखे बाजू देखे विंडो के बाहर देखे कि कहीं कोई घोस्ट वोस्ट तो नहीं है ना, चलो अब सो जाता हूँ, रात को उठे तो पानी वानी पी लिए, देखे कि कोई घोस्ट तो नहीं है ना, सो ही वाज स्कैर्ड अ बिट, ही वाज नॉट यूजुअली गोइंग, सो ही वाज फीलिंग अ बिट अनईज। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। हर रात को वो जब रोज सोने जाए ना, तो थोड़ी देर विंडो के बाहर देखता रहता था खड़ा होकर, लेकिन अब विंडो के बाहर वो एंजॉय करने के लिए नहीं खड़ा रहता था, वो देखता था कोई बाहर खड़ा तो नहीं है ना, ठंडी हवा खाने नहीं खड़ा रहता था, वो देखता था कि सच में कोई खड़ा तो नहीं है ना आजू में बाजू में विंडो के इधर उधर कोई। So trying to make sure that there was no movement of the dark shape in the vicinity. इस अंधेरे में, इस चमक में कोई कोई डार्क फेस की कोई मूवमेंट तो नहीं है ना, कोई आत्मा वात्मा तो नहीं घूम रही है ना इन दिस डार्कनेस। सो ही वॉज एग्जामिनिंग, हाँ कोई नहीं है, फिर सोता था बेचारा, सो डर आ गया था उसके अंदर। बट ही कुड ऑनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। But he could see somewhere twinkling of the light. और पूरा ocean था, अंधेरे का सागर था, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, darkness 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 दिखती थी। हाँ थोड़े miles दूर, कुछ किलोमीटर दूर, बहुत दूर एक कोई factory थी, उसके अंदर कुछ थोड़ी बड़ी लाइटें वाइटें जलती होंगी, उसकी थोड़ी हल्की फुल्की चमक आती थी, बाकी टोटल अंधेरा 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 दिखता था वो महेंद्र देखता था। नथिंग कैन बी सीन,
So he had always liked to admire the milk white landscape on full moon night. महेंद्र को क्या पसंद था? जब भी पूनम की रात आए, फुल मून की रात आए, तब बाहर निकले, विंडो के बाहर देखे, अंधेरे में जाए, वॉक वॉक कर आए, लेकिन हाँ मून को देखता था. मून को देखना है इन द सेंस कि थोड़ा घूम फिर आना, मून लाइट में थोड़ा वॉक करके आना, ठंडी हवा खा के आना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So he used to have a very leisurely walk in the full moon night. अच्छे landscape को देखे, white सा हल्की चांदनी वाला. But after hearing Ishwaran's story on the female ghost, he avoid looking. लेकिन जब से उसने Ishwaran की ये story सुन ली थी, he started avoiding going outside. उसने बाहर जाना बंद कर दिया था. Out of his window altogether, when the moon was full. खासकर जब फुल मून आए तो वो तो अवॉइड करता था, डरते डरते जाता था. देयर वॉज अ फियर. कहाँ था? उसके दिमाग में था फियर और वो डर गया था. उसने गोस्ट होते ऐसी बात को अग्री कर लिया था. सो हिज विंडो ऑल टुगेदर ही वॉज ऑन अ फुल मून. मून वॉज फुल जब भी देखता था. सो वन नाइट महेंद्र वॉज वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मून close to his window. Low moan. Low moan यानी हल्की सी आवाज सुनाई दी. एक रात को महेंद्र सो रहा था और हल्की सी आवाज सुनाई दी और आवाज सुनाई दी तो महेंद्र उठा, उठ के बैठ गया. At first he put it down to a cat prowling around for mice. Starting में तो उसको क्या लगा, ना ना कुछ नहीं है, कोई आवाज बावाज नहीं है, ये कोई बिल्ली आई होगी काले रंग की या सफेद रंग की या पीली या लाल, हरी काली नीली कोई भी रंग की बिल्ली आई है, किसी चूहे को पकड़ने के लिए आई है, ठीक है, टॉम एंड जेरी जैसी स्टोरी कुछ चल रही होगी. ही थॉट, पहले उसने ऐसा सोचा. बट द साउंड वॉज टू गुटुरल फॉर अ कैट. बट द साउंड ही सॉ ही हर्ड वॉज टू गुटुरल फॉर अ कैट टू प्रोड्यूस लाइक इट. लेकिन बाद में जब उसने उस साउंड को और ध्यान से सुना, then he realized that this sound cannot be produced by a cat. बिल्ली तो ऐसा आवाज करती ही नहीं है. कहा तो म्याऊ करती है, मैं आऊ ऐसा करती है, और या तो फिर ऐ करके रोती है. बस दो ही साउंड होते हैं कैट के, तीसरा कोई साउंड होता नहीं है. देन लेटर ऑन ही रियलाइज that this sound is very difficult for a cat to make, to produce. So he resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight. फिर भी curiosity तो थी, जानना तो था ही कि sound कहाँ से आ रहा है. In order to satisfy his curiosity or know the fact, he first at first avoiding. और उसने एक साइट देखी, कुछ उसको दिखाई दिया, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जिससे ऐसा लगा उसके हार्ट बीट ही बंद हो गई, इतना डर गया वो. बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फैलाइंग. जो उसका डर था, जो इमेज थी, वो इमेज उसके सामने और ज्यादा क्लियर आने लगी, डर और ज्यादा बढ़ने लगा, नॉइस और ज्यादा क्लियर हो गई, कैट की आवाज है वो और ज्यादा श्योर हो गई कि कैट की आवाज नहीं है. ही वॉज मोर श्योर, ही वॉज मोर श्योरली मूविंग दैट इट इज नॉइस ऑफ सम सुपरनेचुरल पावर, ये किसी घोस्ट. मतलब उसको धीरे धीरे कंफर्म होने लगा कि ये मैं जो सोच रहा हूँ वो है नहीं, ये सब अलग ही है. ना ना अलग नहीं है, ये सच में भूत है, ऐसा वो सोचने लगा कि कैट नहीं है, माउस नहीं है, मेरा भ्रम नहीं है, कोई नकली नहीं है, खाली शेडो नहीं है, सच में भूत जैसा है, सच में कोई आत्मा है, सच में कोई चुड़ैल है, सच में कुछ ना कुछ है, some ghost is there, etc. सर वो सपना भी तो हो सकता है. हो सकता है, लेकिन वो जग गया था ना, वो होशियार था, अपने आप को चुटकी काट के उसने अपने आप को नींद में होता हो तो ऐसे मतलब कि जो इमेजिन कर रहा हो ना नींद में होने की वजह. हाँ वो हम कभी कभार क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं नींद से उठने के बाद, आजू बाजू वाले को बोलते चुटली खण, का तो ये आपने चुटली खण है, का तो आपने चुटली खणी है,
अन कोई ना हो तो आपने जाते खड़ी लई है, हम अपने आप को चुटकी काटते हैं, लाओ देखे, फिर हमें कंफर्म हो जाता है ना ये तो सपना नहीं है। तो ये ईश्वरन ने भी ऐसा कुछ कर लिया होगा कि ना 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 भाई ये तो सच में ईश्वरन नहीं, महेंद्र, महेंद्रन, वेरी गुड, ईश्वरन तो कुक था, महेंद्रन ने देखा, सो इट वॉज मोर क्लियर फॉर महेंद्रन टू बिलीव द साइन, बट ही वॉज विलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फॉलोइंग, सो ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब इस आवाज को और ज्यादा ही कैन नॉट बेयर, सो लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द व्हाइट शीट, धीरे 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 वो विंडो की तरफ गया, अपनी बात को कंफर्म करना चाहता था, विंडो सील के तरफ गया, थोड़ा झुका और विंडो के बाहर देखा, क्योंकि जो टेंट होता है उसकी विंडो थोड़ी नीचे होती, तो थोड़ा नीचे झुका और देखा उसने, व्हाइट शील, मूनलाइट बाहर थी, देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, बहुत दूर नहीं, विंडो के जस्ट पास में ही एक क्लाउड जैसा कोई शेप दिखा उसको, जो रियली वो क्लाउड जैसा शेप था, क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, जिसके हाथ में बंडल था लकड़ियों का बड़ा सा, महेंद्रन ब्रोक इनटू कोल्ड स्वीट, पसीना आ गया, कैसा ठंडा पसीना आ गया, दिमाग ठंडा ठंडा हो गया एकदम, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और दम से जाके पिलो पकड़ के सो गया आंख बंद करके, कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, अंडरस्टूड नाना, मैं तो सपने में देख रहा था, बाहर जाके क्या करने भूत देखूं, चुपचाप आके आंख बंद करके अच्छे बच्चे की तरह आंख बंद करके सो गया, पेंटिंग दम से गिरा डरा हुआ, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस, घोस्टली एक्सपीरियंस, ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion. He wanted to recover from the thought of a ghost, but he was not throwing away the imagination of the ghost. Bhoot nahi hai, nahi hai, nahi hai, aisa chahta tha ki apne man ko bana lo. Lekin man kaha manne ko tayyar hai, ab to dimag aur aankhon ne bhi dekh liya tha. ये सच में वो देखो बंडल हाथ में लेके क्लाउड जैसा कोई फॉर्म जा रहा है, एंड ही थॉट लाइक इट वाज सम काइंड ऑफ सम इल्यूजन और समथिंग, सो सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज प्लेड ऑन हिम, मेरे अपने भी सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, जो हम सोचते हैं वही रात को सपने में आता है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने कोई मेरे सामने इमेज खड़ी की है, Maybe it is that image. मेरा ब्रह्म है वो, उस ईश्वरन ने स्टोरी सुना दी, डरा दिया, मेरे को लग रहा है वही सामने मेरा अल्यूजन है, सामने आ गया है, वो ऐसा अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा था, बट द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, बट द टाइम केम ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, सुबह उठा, बाथ लिया, ब्रेकफास्ट करने आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, फेडेड फेडेड यानी थोड़ा हल्का हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, तो रात का जो डर है रात बीतने के बाद में थोड़ा नॉर्मल हुआ था, बस ही वो बट ही वॉज स्टिल वरीड, चिंता चेहरे पे तो दिखी रही थी रात की टेंशन, ईश्वरन ग्रीटेड हिम at the door with his lunch packet, ईश्वरन लंच बॉक्स लेके रेडी था और दरवाजे पे उसकी राह देख के खड़ा था, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कुछ बोला होगा, एंड हिज बैग, उसका ब्रेकफास्ट और उसका बैग लेके खड़ा था, जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर जा रहा था, ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड, ईश्वरन ने उसको रास्ते में रोका, वार्निंग देते हुए बोला, सर रिमेंबर The other day when I was telling you about the female ghost, sir, आपको कुछ याद आया? वो कुछ दिन पहले मैं आपको वो स्टोरी बता रहा था फीमेल घोस्ट वाली, कि वो दिखती है, आती है, मिलती है, यहाँ अपने टेंट के आसपास घूमती रहती है, याद आया कुछ?
विथ अ फ्यूटस इन हिज आर्म, उसके सिंबल खोपड़ी वाला हाथ में रहता है. यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मेरे पे गुस्सा हुए थे. ये सब क्या फालतू फालतू अपने दिमाग में इमेजिनेशन लाता रहता है. डू यू रिमेम्बर सर अबाउट द होल इंसिडेंट, यू वर स्पीकिंग, यू वर एंग्री ऑन मी. वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, और आपने कल रात को खुद अपनी आंखों से देखा. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ अ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. आप जो रात को वो साउंड सुना, मैंने भी सुना, और आपकी जो अजीब अजीब आवाजें आ रही थी ना आपके टेंशन वाली, भगवान बचाओ, हनुमान चालीसा, ओम 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 ओम, भूत भाग भूत भाग भूत भागो, ये सब मैं भी सुन रहा था. उसने ऐसा बोला कि सर कल आप जो डर के आवाज निकाल रहे थे ना, वो सारी आवाज मैंने सुनी. आई केम लाइक योर हॉरिबल साउंड, जो सुन सुन के आप डर रहे थे. आई हर्ड, आई केम नियर योर रूम एंड आई लिसन टू दैट. अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, महेंद्र के स्पाइन में चिल आ गया, हड्डियों में ठंडक आ गई, डर घुस गया. ही डिडंट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ईश्वरन अपना सेंटेंस कंप्लीट करे उसकी राह भी नहीं देखी. ही इमीडिएटली वेंट अवे and he hurried away to his office and handed in his paper, apne office diya fatafat aur ek paper likha aur office mein apna paper submit kar diya, resolving to leave the haunted place the very next day. usne kya likha, apna resignation likha. resignation matlab ab mujhe is jagah pe yahan kaam karna nahi hai, aaj hi aaj main ja raha hu is jagah se, kal se main is jagah pe aaunga nahi. I'm leaving this place today itself. I'm not going to come back in this place. सच में आवाज आ रही थी. सच में आवाज आ रही थी. वो डर गया था. Now he realized. सर तो मतलब कि वो सच में भूत था. What? सर तो सच में वो भूत था, मतलब कि भूत आया था. Yes. सच में उसको ghost दिखा होगा. या ये तो कहानी है बेटा. Reality से कोई लेना देना नहीं है. Yes. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो ईश्वरन था ना, वही भूत भूत बन के आ गया हो, या किसी को लेके आया हो, या कोई कोई ट्रिक उसने यूज की हो. सो देयर आर अ लॉट पॉसिबल वेज, डराने की बहुत सारी मेथड, इज वेरी वेल पॉसिबल. ठीक है, अभी किसी पहले रिवाइज कर लो, हार्ड वर्ड सारे अंडरलाइन कर दो, फिर मैं आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड डिक्टेट करने जा रहा हूँ. ओके. पार्श्व वीडियो ऑन करो. पार्श्व व्यास सर, मैं नोटबुक लेके आती हूँ ना, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ. ओके ओके ओके, सब लोग नोटबुक पेन ले लो. आई एम गोइंग टू डिक्टेट द मीनिंग. युवराज हाँ, नोटबुक में लिख लो सर. या करिस्टियोसिटी का मतलब curiosity. पार्श्व वीडियो ऑन कर लिया करो. हाँ, मुझे डर लगता है इस क्लास में अकेले. आप वीडियो ना ऑन करो तो मुझे लगता है मैं अकेला हूँ यहाँ पे. ठीक है, हाँ बोलो सर. आज जो आपने पीडीएफ सेंड की है ग्रुप में, वो हमें नोटबुक में लिखनी है. हाँ बेटा, लिखना, जरूर लिखना, लर्न करके लिखना. ओके सर. ध्यान आप भी ऑन कर लिया करो बेटा. कंपनी दो मुझे, डर लगता है अकेले अकेले क्लास में. ध्यान नोटबुक में लिखना है ना. हाँ, नोटबुक में लिख लो, नोटबुक में लिख लो और लर्न कर लेना. डू लर्न, डू ट्राई टू लर्न द मीनिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, मीनिंग सारे लर्न नोटबुक में लिख लो और लर्न भी कर लेना. तो मुझे ना लिखे और टेक्स्टबुक में लिखे तो चलेगा? चलेगा, लेकिन लर्न कर लेना. अभी लिखा रहा हूँ, अभी लिख लो कहीं अच्छे से. स्टार्ट करूँ? कोई डाउट है किसी को? पहले डाउट पूछ लो. हाँ सर. हाँ
सर मेरा है ना थर्ड लेसन बाकी है, जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसका थर्ड लेसन बाकी है लिखना नोटबुक में, तो मैं अभी पेपर में लिखूं मीनिंग्स? हाँ लिख दो अभी पेपर में, लिख दो बाद में फेयर कर देंगे। ओके सर। ओके द फर्स्ट वन इज नरेटेड सर, टू नरेट narrated means told, narrate करना। second is anecdotes, anecdotes यानी कहानियाँ, स्टोरियाँ। sir narrate का एक बार repeat। narrate का narrate यानी told, narrate narration करना, narrated यानी told ही आएगा, narrate करना। sir उसके बाद, उसके बाद में आएगा एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स यानी स्टोरीज। अगर एनेक्डोट लिखा है तो स्टोरी लिख दो, एनेक्डोट स्टोरी। थर्ड इज मटरिंग, MUTTERING, मटरिंग। मटरिंग मीन्स धीमी आवाज में बात करना। यस, ग्रम्बलिंग, GRUMBLING। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो ट्राई टू राइट द मीनिंग ऑफ इंग्लिश टू इंग्लिश, फिर भी ना समझ में आए तो साइड में हिंदी लिखना। ओके, सो मटरिंग मींस ग्रम्बलिंग। सर एक बार ग्रम्बलिंग का स्पेलिंग बोलो ना। GRUMBLING, grumbling, again GRUMBLING, grumbling। Kartavya, very nice to see you in the video, thanks sir। Okay, I like your green t-shirt, मेरी आंखों में नंबर नहीं आएगा अगर green color में देखूंगा तो, ठीक है? So try to on your videos, तो मैं ग्रीन कलर देखता रहूं वो नंबर नहीं आएगा, ठीक है? चलो ओके। फोर्थ वन इज ARCHED, आर्च्ड या आर्क्ड उसको बोलते हैं, ARCHED, आर्क्ड मींस कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड, ARCHED, आर्क, उसका मीनिंग हुआ CURVED। नेक्स्ट है SPRAWLED। सर रिपीट करो ना वन में। SPRAWLED। क्या L E की बात? LED बस, SPRAWLED, sprawled means spread, SPREAD, spread। spread। next है HAULED, howled। howled means carried। sir repeat करो ना spelling। okay, HAULED, howled, carried। shall I write the spelling on whiteboard? Yes sir. Okay, wait. Yes sir, main lik deta hu markers। बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड? यस सर। हाँ मैं लिख रहा हूँ। howled,
हाउल्ड मींस कैरी, हाउल्ड मींस कैरी, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। डन सर। रैप, अटेंटिव, यस, स्टंड, शॉक्ड, STUNNED, stunned, shocked. Done, sir. Just 1 minute. Auspicious. For 1 minute. Auspicious, favorable. Written? Answer. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Vicinity. Neighborhood, vicinity, neighborhood. Sir, ये dance है. Men's का चट्टा 4 है क्या 3 है? क्या बेटा? हम ये sir ये question English में. Third है. हाँ, moment का. Supplementary का third chapter है. मोमेंट सप्लीमेंट्री का है थर्ड चैप्टर 2 समझाता है इसलिए थोड़ा दूर ले डांस क्लचिंग CLUTCHING क्लचिंग मींस ग्रैबिंग ग्रैबिंग Clutching means grabbing. Done, sir. Done. Hire, rent. Done, sir. Sir, मुझे first और second लिख के दोगे? कोई बात नहीं. Desolate, sad. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा लेना हो तो मैं रब करने जा रहा हूँ. डन डन सर. ओके नो सर डन. रवि flourishes PROSPERS flourishes, prosperous.
जेस्चर साइन inclined willing inclined willing excuse me sir yes ha beta सर ये जो फ्लरिशेस लिखा है उसमें प्रॉस्परस की स्पेलिंग आर के बाद ओ यू एस नहीं आएगा पी आर ओ एस पी ई आर एस ना प्रॉस्परस ओ यू एस वाला नहीं है ये प्रॉस्परस ओके ओके prologue discussion sorry introduction done sir granted murmured grunted means murmured screenshot le lo main rub karne ja raha hu likh liya done just collapsed bowed sir bowed ka meaning gir jana deh jana building collapse ho gayi puri building gir gayi ये पेंडिंग पेंडिंग एन यू का फोर्थ कमिंग दिस पेंडिंग मीन्स फोर्थ कमिंग रेवरी dream तो आप कितने हैं हर वर्ष अभी है 10 जितने और हैं सर आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के नहीं लिखाओगे लिखा दूंगा बेटा डिक्शनरी फाइंड कर लो थोड़ा बहुत मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आप बोलोगे तब मैं लिखा दूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन जब बोलोगे तब मुझे कभी ऐसा मुझे नहीं फर्स्ट और सेकंड लिख के दो ना मैं छूट गए अच्छा लिख देता हूँ ये पूरा हो जाए फिर मैं करूंगा ध्रुव ओके सर सर डन सर वन मिनट वेट करो ना
हो गया? यस सर। यस सर। ghastly, frightening, डराने वाला। Adjust means adapt. Produce. Thrall, control, thrall, control. Sir, enormous. Huge, uncritically, carelessly, uncritically, carelessly. So, yeah. बाकी होगा किसी को लिखना। Emulation copying, menacingly, warningly, Nupur, Dhwani, Divyan Patel, Visha, sab log likh rahe ho na? Yes. Rahi, you are writing? Yes, sir. Okay. Parshu, likh rahe ho na, beta? Sir, main screenshot le raha hu sare ke sare.
ओके लिख देना पार्श्व लर्न करना yes, तो सब हंसेंगे कि सर का फेवरेट और लिख भी नहीं रहा है यस सर चलो आई एम गोइंग टू रब करने जा रहा हूँ और कितना है बस लास्ट थ्री बचे सर नहीं दिख रहा हाँ हाँ मैं कर रहा बीक वी रब करने जा रहा हूँ डन सर सर रब कर सर कर दो रब लास्ट वर्ड गुटरल rough excuse me sir sir done okay sir mumbling or मटरिंग मतलब कोई डिफरेंस नहीं है ना मतलब बड़बड़ाना बड़बड़ाना बोलना धीरे बोलना सेम ही होते हैं बहुत माइनर डिफरेंस होता है आप इमेज देखोगे तो पता चले मम्बलिंग एंड मटरिंग इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी होती है उसके अंदर देखोगे तो पता चलेगा ओके सर थैंक यू सर डन सर कंप्लीट हो गए सर डन हां बेटा हो गया सर आपने बोला था मुझे वन और टू लिख के दोगे हाँ वन और टू बता देता हूँ मैं आपको वन और टू बता देता हूँ लो देख लो किसी का छूट गया हो तो सी जो मैंने वर्बल बोला था ना वो ए रहे सर बाजू पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लूं सर फिर चैप्टर टू का भी दिखाना चैप्टर टू का भी करा देते हैं चैप्टर टू का भी करा देते हैं सर चैप्टर थ्री का दूसरा वाला अब बेटा चैप्टर टू कर लो ना फटाफट हमारे पास टाइम कम है चैप्टर वन का है पहले चैप्टर वन का करो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी चैप्टर वन का है लो जल्दी स्क्रीनशॉट लिया एसपीजीटी में से इंग्लिश की बुक मिली है उसमें से क्या ना तो भी मिल जाएगा बेटा ये दूसरा पब्लिकेशन है ओसम पब्लिकेशन है क्या है सर दूसरी बात हो गया सर ये लो जल्दी चैप्टर वन का ये पार्ट टू यस सर हो गया स्क्रीनशॉट यस सर हो गया हो गया सर चैप्टर टू आपको बता देता हूँ ये हो जाएगा बैक
एडवेंचर ऑफ टोटो बी क्विक, चैप्टर टू सप्लीमेंट्री का मीनिंग। ओके जस्ट वेट, दूसरे लोग ले लो। ओके इसका ले लो जल्दी। डन सर। डन सर। डन। ओके डन सर। ओके जस्ट वेट। डन सर। चैप्टर टू का लास्ट वन। डन सर। डन सर। डन सर। ओवर। चलो सर आपने बीहाइव्स वाली बुक में से कोई चैप्टर चलाया है? बीहाइव लेट मी रिफर। सर आपने 3 चैप्टर्स चलाए थी वाली बुक में से। बीहाइव में से या चैप्टर 1 2 एंड 3 डन। चैप्टर 1 2 एंड 3 डन। ओनली पोम इज लेफ्ट विंड एंड द रेन ऑन द रूफ। So next class I'll be taking poem wind and the rain on the roof, then 3 units hamare ho jayenge. Okay sir. Panchal, happy to see you beta. Aap kyun nahi video on karte ho sir? Aapki awaaz nahi aa rahi. I'm talking to Ved. Yes sir. ओके सो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे द पोएम विंड। जो दूसरी वाली हमारी बुक है ना बीहाइव वाली, उसमें से यूनिट 2 का है एक चैप्टर पोएम विंड। सो हाँ बोलो सर। ग्रामर करना है ना? हाँ ग्रामर करना है बेटा, ये 2 पोएम करा दूं ना तो हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाए। ओके कोई डिफिकल्टी ना रहे सर। ओके कल नेक्स्ट क्लास में जब मैं विंड कराऊंगा पोम, उसके पहले लेट मी नो व्हाट इज अ विंड। सो विंड इज अ फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तेज हवा चलती है दैट इज नोन एज विंड। एंड विंड पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती एंड इट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए के रामानुजन, थे एक राइटर पोएट, उन्होंने इसको ट्रांसलेट की है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड मैनी पर्सोनिफाइड आइडियाज हैज बीन डिस्क्राइब बाय आर पोएट सुब्रमण्य भारती। एंड स्लो मूविंग एयर, जो कम पावरफुल लोग होते हैं उनकी कोई कदर होती नहीं है। एंड द मोर पावरफुल पीपल आर रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड बाय द होल वर्ल्ड। So, ये जो फास्ट मूविंग एयर है उसको हमारा ऑथर कहता है विंड। कम सॉफ्टली, डायरेक्ट एड्रेस हैज बीन मेड टू द विंड। कोई पोएट हमें मालूम है, आप एयर से, फैन से, ट्यूबलाइट से, बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, आप इससे बात करोगे सो टॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। बट हियर आर पोएट इज टॉकिंग टू द विंड। सो विंड क्या है? इज अ नॉन लिविंग थिंग। सो एक फिगर ऑफ स्पीच हमें यहाँ जानने को मिलता है न्यू। सो पोएम भी कल हम करेंगे एंड फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत सारे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? सो 2 पोएम जो हमारी छूट गई थी वो दोनों पोएम हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई हैंड ओवर द क्लास टू नेक्स्ट। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। हु इज द टीचर हियर? प्लीज कम ओवर द स्क्रीन सो दैट आई कैन मेक यू होस्ट। So yes. Okay, ma'am. Avijita, no? Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So, 9th standard, all set? Yes, ma'am. Revise kiya tha last session mein humne jo discuss kiya tha. Yes, ma'am. सब लोगों ने? Yes, ma'am. आज हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का मोशन, आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इट इज चैप्टर नंबर 8 आई थिंक, है ना?
टेक्स्ट बुक में क्या है, चैप्टर 8। यस, मोशन जो था आज उसका लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने जितने भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट सब जो चीजें थी, सारे टॉपिक्स, वो हम लोगों ने अभी हमारी पिछली सारी क्लासेस में सारे एक एक करके ले लिए थे, अटेंड कर लिया था। अब हमको आज क्या करना है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। फाइन, समझ में आ रहा है सबको? आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने में से किस किस ने ये चैप्टर रीड किया अपनी टेक्स्ट बुक से? चैप्टर रीड किया ये टेक्स्ट बुक से? यस मैम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आपके जो एक्सरसाइज में है, अभी रुक जाओ, शिवाली मैम आप ले रहे हैं या मैं लूं? नहीं नहीं, आप कर दीजिए, आप आ गए हो तो आप कर दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इनके जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है, मोशन चैप्टर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है, उनको कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, मैं ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के लिए वर्कशीट सेंड करूंगी, और उसमें आप क्या करोगे, वो वर्कशीट में से क्वेश्चंस करोगे और उनको ट्राई करके देखना। और फिर हमारा जब भी नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को डील करेंगे उनसे, क्या आप कितने क्वेश्चंस कर पाए, किसमें आपको प्रॉब्लम आई, या क्या क्वेश्चंस में आपको चीजें, कोई चीज क्लियर नहीं थी या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था, ठीक है? वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी क्या है, इस चैप्टर को हम आज यहीं पर बाइंड करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस करके, जिससे ये भी पता चल जाए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बेस्ड ऑन दिस चैप्टर या नहीं, ठीक है? फाइन। अभिजीता मैम। यस मैम। मैम आपको होस्ट बना दिया, जब भी आप लीव करो तो मुझे ही होस्ट बनाना, किसी स्टूडेंट को मत बनाना है। ठीक है मैम। एक्चुअली मैं उसको आपको स्क्रॉल करके सेलेक्ट नहीं कर पाती, मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में जाने का थोड़ा सा वो रहता है ना, तो इसलिए नहीं नहीं अब की बार ध्यान रखूंगी। जी जी ओके। चलो तो एक्सरसाइज पर आ जाओ। मेरे ख्याल से पेज नंबर 112 है आपके टेक्स्ट बुक का, अगर देखोगे तो 112, पेज नंबर 112। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, दैट इज, सब लोग ध्यान से देखो और कोशिश यही करेंगे कि एक ही बार में सभी लोग इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? ऐसा ना हो कि आधे बच्चे पहले ध्यान से नहीं सुनते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। उससे क्या होता है कि हमारा टाइम लैप्स होता रहता है और फिर हम आगे के क्वेश्चंस नहीं ले पाते। तो कोशिश यही करो कि एक ही बार में क्वेश्चन को हम सुनकर उसको समझ लें, जिससे हमें दो दो बार एक ही क्वेश्चन को लेना ना पड़े, ठीक है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है? तो अब क्या है, इसको हमने पहले क्या कहा था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हम डील करेंगे तो सबसे पहले हम इनको
सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करेंगे, एक एक सेंटेंस को पढ़कर उसमें हमें समझने की कोशिश करेंगे और उसमें हमें क्या करना है वो समझेंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी नोटबुक में जॉट डाउन करेंगे चीजें एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एन एथलीट्स कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स. एक एथलीट है, एक धावक है, या एक जो दौड़ लगाता है वो व्यक्ति क्या करता है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक कैसा जिसपे वो रन करेगा वो बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में है, उसका डायमीटर आपको दे रखा है उस ट्रैक का 200 मीटर, उसका एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? अगर वो लगातार उस ट्रैक पे सर्कुलर ट्रैक पे घूमता रहता है तो 2 minutes 20 seconds के बाद उसका उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ये आपको बताना है, और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका ये आपको बताना है. ठीक है, तो अब इसको बोर्ड पर देख लो. अब पहले तो हम इसकी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. यस बेटा. मैम पहले हम इसकी सर्कमस्टेंसेस का कैलकुलेशन करेंगे. पहले हम क्या करेंगे बेटा? मैम सर्कमस्टेंसेस का कैलकुलेशन. सर्कमस्टेंसेस नहीं बेटा, सर्कमफेरेंस. सॉरी सर्कमफेरेंस. हाँ, तो पहले क्या है, एक रफ सा पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. जब भी आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप पहले क्या करेंगे, रफ सा एक फिगर ड्रॉ कर देंगे. ये आपका सर्कुलर ट्रैक आपने मान लिया, फाइन, और इसका आपको डायमीटर दे रखा है. मैम हमें लिखना है ना? आप इसको देख लो समझ लो तो भी चलेगा, और अगर आपको लगता है कि आपको इसको दोबारा पढ़कर समझने की जरूरत है या फिर आपको कभी रिकॉल करना पड़ेगा तो आपको जरूरत पड़ेगी तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप ऐसे ही समझ लेते हो तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन. तो इसका डायमीटर कितना दिया था, 200 मीटर. और अगर मान लीजिए जो भी एथलीट है वो अगर ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, इसका एक कंप्लीट राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 seconds. Okay. Diameter आपको कितना दे रखा है? Diameter दिया है 200 meter. ठीक है? अब आपसे पूछा क्या क्या है उसको भी लिख लो. ठीक है, एक तो आपसे displacement पूछा, sorry, distance पूछा है after कितना 2 minutes 20 seconds, और दूसरा पूछा है displacement after 2 minutes 20 seconds. Okay? दो चीजें आपसे पूछी हैं, distance भी पूछा है और displacement भी पूछा है. ठीक है, तो सबसे पहले for one round उसको कितना time लग रहा है, for one round उसको 40 seconds लगते हैं, एक चक्कर पूरा काट के वापस आने में उसको 40 सेकेंड्स लगते हैं, ये दे रखा है. ठीक है, डायमीटर से मेरे को मालूम है कि इसका जो मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी डायमीटर, क्योंकि मुझे सर्कमफेरेंस से क्या पता चलेगा कि एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, यहां से स्टार्ट करेगा वापस यहां पर आएगा तो उसका वन राउंड कंप्लीट होगा, तो फॉर वन राउंड डिस्टेंस कितना होगा, For one round, distance is equal to कितना होगा, 2πr. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. एक round के लिए distance 2πr है. अब 2 आपने place किया, 22/7 place किया. Radius आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपको diameter दिया था. डायमीटर आपको गिवन था 200 meters. ठीक है, इससे आप क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डी बाई 100 upon 2, दैट इज 200/2 इक्वल्स टू 100 meters. तो रेडियस की जगह अब मैं क्या प्लेस कर सकती हूँ, यहाँ पर
100 मीटर्स, ठीक है, 100 मीटर्स यहाँ प्लेस कर दिया। तो अब आप देखो कि ये इसका डिस्टेंस निकल के आ गया जो वो एक राउंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। ये राउंड कितना निकल के आएगा, अगर मैं इसको अभी फ्रैक्शंस में रहने देती हूं तो दैट दिस विल बी इक्वल टू 4400 अपॉन 7 मीटर्स। तो अब आप देखो यूनिटरी मेथड का अब हम यूज करेंगे। मैथ्स में जो आपका यूनिटरी मेथड होता है कि 40 सेकंड्स में आपको दे रखा था वो वन राउंड कंप्लीट करता है, यानी 40 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कंप्लीट करता है वन राउंड में, 4400 अपॉन 7 मीटर्स। 40 सेकेंड्स में इतना करता है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 4400 बाय 7 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, मीटर्स। क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में, जब हमें ज्यादा क्वांटिटी दी होती है और कम का पूछा जाता है तो हम डिवीजन कर देते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं। अब यस मैम, सेकेंड में आपको पता चल गया तो आपसे कितने टाइम बाद पूछा था, 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद पूछा था कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्टेंस किया है। 40 सेकेंड्स में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, यानी एक सर्कल कवर करता है। 1 सेकेंड में वो इतना करेगा तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद कितना करेगा, तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में सबसे पहले तो इस मिनट को हटाना है, ये ध्यान रखिएगा। मिनट 1 सेकेंड 2 × 5 = 2 × 60 + 20 करेंगे। ये मिनट को मैंने सेकेंड्स में कर दिया, 120 + 20 = 140 seconds, ठीक है। 40 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस, तो 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस होगा, 140 सेकेंड्स में आपका डिस्टेंस होगा 4400 / 7 × 40 × 140। ये चीज समझ में आई, ये स्टेप समझ में आया, yes. 40 सेकेंड्स में 1 सर्कुलर राउंड इतना डिस्टेंस, 1 सेकेंड में 40 से डिवाइड कर दिया तो इतना, ठीक है, मीटर्स। आप 140 सेकेंड्स में करने के लिए उसको 140 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा, 20 टाइम्स 20 को यहाँ, सॉरी 2 टाइम्स, और इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2200 मीटर्स। तो ये क्या निकल के आया, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स, कि कितना डिस्टेंस एथलीट ने 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कवर किया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, अब क्या निकालना है, डिस्टेंस आ गया, ये समझ में आया तो मैं रब करूं, सबको समझ में आया है। आपको क्या दिया था कि एक राउंड उसको लगाने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। तो पहले आपने ये निकाल लिया कि एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है, ये निकाल कैसे निकालेंगे आप, 2πr करके। आपको डायमीटर दिया था, आपने रेडियस निकाला, पहले रेडियस को प्लेस करके आपने एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये निकालिए। तो 40 सेकेंड्स में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, 1 सेकेंड में वो डिवाइडेड बाय 40 करेगा, और 140 सेकेंड्स में जो 1 सेकेंड में जो करता है उसको अगर हम 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना करें, ठीक है, कैलकुलेट करके 2200 मीटर्स। समझ में आई बात, ठीक है, रब कर दूं, यस मैम। अब आपको डिस्टेंस तो पता चल गया, आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको
पहले उसकी फाइनल पोजीशन बताऊंगी चाहिए कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। और फाइनल पोजीशन के लिए क्या जरूरी है कि आप क्या करें, आप ये देख लें कि उसने कितने राउंड्स लगाए। ठीक है, अब 40 सेकेंड्स में वो वन राउंड लगाता है, 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड, 40 सेकेंड्स में वन राउंड लगाता है, 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लगाएगा, इसके लिए 1 सेकेंड में वो कितना लगाएगा, 1/40। तो 140 सेकेंड्स में कितने हो जाएंगे, 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 140, यानी 140/40 इतने राउंड्स लगाएगा। ये समझो 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड लगाता है, तो एक सेकेंड में वो कितना लगा पाएगा, 1/40। तो 140 सेकेंड्स में वो कितने लगा पाएगा, 1/40 upon 40 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 7 7/2 अगर 7/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा, 7/2 इज इक्वल टू 3 whole 1/2। ये चीज समझ में आई, इतना समझ में आया, 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड कंप्लीट करता था सर्कुलर ट्रैक का, इसका मतलब एक सेकेंड में वो कितना करेगा, 1/40 राउंड। और 140 सेकेंड्स में वो कितना करेगा, 1/40 को जब 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 whole 1/2, यानी 3 whole 1/2 का मतलब क्या है कि 3 तो पूरे राउंड लगा लेगा और एक आधा लगा पाएगा। ठीक है, तो अगर ए से स्टार्ट किया तो एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड और फिर हाफ राउंड, यानी फाइनली वो कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, उसकी फाइनल पोजीशन इधर आ जाएगी, 3.5 से आप समझ रहे हैं, ए से अगर वो स्टार्ट किया होगा तो 1 round 2 round 3 round एंड देन फ्रॉम ए टू बी हाफ राउंड, 3.5 round। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, यस मैम, आई एम जॉइनिंग फॉर अनदर फ्रॉम अनदर डिवाइस, कैन यू प्लीज टेक मी इन। ओके फाइन, श्योर। ठीक है, डिड यू गेट दिस, कि ये समझ में आया कि 3 तो कंप्लीट राउंड जब वो लगाएगा तो वो वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, तो यानी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। मगर जो ये बाकी का हाफ राउंड है उसमें वो कहां पहुंच जाएगा, बी पर। और हमने बोला है कि अगर वो बी तक पहुंचता है तो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ऐसे केस में, 200 यूनिट्री मेथड का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो मैथ्स में आप यूनिट्री मेथड पढ़ते हो ना 6th 7th स्टैंडर्ड में, उसका यूज हो रहा है। ध्यान से देखो कि 40 सेकेंड्स में उसका वन राउंड होता है, तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चल पाएगा, 1/40 पार्ट ही चल पाएगा, एक राउंड का भी 40th पार्ट ही चल पाएगा। ठीक है, और 140 सेकेंड्स में वो कितना चल पाएगा, पहले ज्यादा का बताया था, कम का निकाला तो डिवाइड किया, फिर से ज्यादा का पूछा है, कम से ज्यादा का पूछा है, तो फिर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, इतना। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 7/2 दैट इज इक्वल टू 3 whole 1/2। 3 whole 1/2 का मतलब क्या है कि 3 तो पूरे राउंड और 1 half round। और हमने पता है कि 3 पूरे राउंड्स के बाद तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, और फिर हाफ राउंड जो है उसके बाद उसकी पोजीशन यहां कहीं आ जाएगी, और ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ए से बी पर जाने के लिए, दैट इज दिस डायमीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट उससे कितना हो जाएगा फाइनली 200 मीटर्स. शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए हमें और वो कितना है, वो डायमीटर के बराबर ही होगा. ठीक है, ये किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मैम हमें एग्जाम में शो करना पड़ेगा कि 200 मीटर कैसे आया, कि 3 राउंड लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 आया फिर. हाँ बिल्कुल, आपको बताना पड़ेगा कि सिंस यू आर गेटिंग 3 whole 1/2 rounds, दिस मींस 3 complete rounds एंड 1 half round. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 rounds ही विल बी बैक टू हिज इनिशियल पोजीशन एंड आफ्टर दिस हाफ राउंड he'll be at position B, that is just opposite to position A on the circumference. And calculating the displacement from A to B, we'll be getting it as 200 meters, ठीक है? Since it is forming a semi-circle over here, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है? ये question आगे बढ़े? ये सबको समझ में आया ना question? Yes, ma'am. Next question is, Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging? First end from A to B and दूसरा है फ्रॉम ए टू सी. तो सुनो इसको ध्यान से फिर से. जोसेफ को जॉगिंग कर रहा है, वो एक एंड ए से एक स्ट्रेट रोड पे जॉगिंग कर रहा है. ए से वो कहाँ जा रहा है, बी पर जा रहा है, जो कि ए से बी की दूरी उन्होंने कितनी दी है 300 meters. और उसको इतना जॉगिंग करने में कितना समय लग रहा है, 2 minutes 30 seconds लग रहे हैं. और फिर वो वापस उसी रास्ते पर आ रहा है और 100 मीटर्स ही पीछे आया. वापस आते वक्त 300 की पूरी रोड थी जिसमें से 100 मीटर्स ही पीछे आया है और वापस आने में उसको कितना टाइम लगा है, 1 मिनट. तो वो पूछ रहे हैं ए से बी जाने में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है और वेलोसिटी कितनी है, और ए से सी आने में उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितनी है. तो अभी हम इसका क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं, रफ डायग्राम. पॉइंट ए से जोसेफ कहाँ गया, पॉइंट बी पर, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 300 मीटर. ठीक है, फिर वो वापस उसी ट्रैक से आया है और 100 मीटर्स के करीब वो वापस आ गया पॉइंट सी पर, और ये डिस्टेंस बी से सी का कितना था, 100 मीटर. ठीक है, थ्री ए से बी जाने में उसको टाइम कितना लगा है, 2 minutes 30 seconds. अब आपको क्या करना है, ए टू बी, ए से बी के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. पहले हम केस ए से बी का लेते हैं. ठीक है, हमें सी से कुछ नहीं लेना देना, अभी हमें ए से बी की बात करें. तो ए से बी जाने में एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले एवरेज स्पीड देखें. एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, टोटल टाइम टेकन ऑन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ए से बी जाने में उसको टोटल डिस्टेंस कितना लगा, 300 meters. 300 meters एंड टाइम, टाइम में देखो अब आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम किसमें है, मिनट्स में है. 2 मिनट का मतलब 2 multiplied by 60 वो 120 आएगा, प्लस 30
दैट इज इक्वल टू 150 सेकंड. ठीक है, इतनी चीज क्लियर है. तो टाइम कितना लगेगा उसको? 150 सेकंड. तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई इसको? 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर पर सेकंड ये एवरेज स्पीड आ गई. एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अपॉन टाइम टेकिंग. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ए से बी जाने में? 300 मीटर्स का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है. और टाइम कितना लगा है? 150 सेकंड. तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा इसमें? 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर पर सेकंड. ये था फ्रॉम व्हेन ही वाज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब जोसेफ ए से बी पर जा रहा था. ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. अब हम कहां से देखना है नेक्स्ट? हमें कहां से देखना है? ए टू सी. ठीक है, ए टू सी के लिए देखो. पहले एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड के लिए फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है? पहले ए से बी आया, बी से सी आया, तो 300 प्लस 100. टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां आने के लिए? 150 सेकेंड्स प्लस ये 1 मिनट. ये 1 मिनट को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? 60 सेकेंड्स. तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड्स. तो कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 210 सेकेंड्स. 400 अपॉन 210 सेकेंड्स. ये मीटर्स में कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका कितना रहे है? कैलकुलेट करो. 40 अपॉन 21. बताओ जल्दी. मैम 100 अपॉन 3. वन पॉइंट 90 कह रहा हूं. इतना ही आ रहा है? सॉल्व कर कैलकुलेट करके बाद में क्यों डिवाइड किया? डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं बेटा? हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं ना, हमने प्लस क्यों किया? कहां ऐसे? यस मैम. नहीं बेटा, ये मैथ्स के जो आपके प्रॉपर्टीज है उसके अगेंस्ट है. डायरेक्ट का जब ऊपर दो वैल्यूज एडिशन में है तो पहले आप एडिशन करेंगे. नीचे दो वैल्यूज अगर एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, पहले उसे सॉल्व करते हो, देन सिंपलीफाइड फॉर्म जब आता है तब उसको कट करते हो. ये अभी क्या है? ये अगर आप इसको 150 को 300 से को 150 से कट करने जाओगे तो ये 300 अकेला नहीं है, उसके साथ 100 भी एडेड है. ये 150 300 के नीचे भी है और 150 100 के नीचे भी है. ये 60 जो है वो 300 के नीचे भी है, 60 जो है 100 के नीचे भी है. तो उसको ऐसे कट नहीं कर सकते. ठीक है? ओके मैम. ये समझ में आया? एवरेज स्पीड समझ में आई? यस मैम. आया इतना आंसर आप लोगों का सॉल्व करने के बाद? यस मैम. ये कितना बचा? 40 डिवाइडेड बाय 21 कितना बचा? 19. पॉइंट लगाया 0, 21 9 189 1 0, फिर 0 लगाओगे. इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये करीब 4 टाइम्स जाएगा. 1.90 के अराउंड आप मानोगे. ठीक है, इसको या 1.9 सिंपली बोल दोगे. ठीक है? ओके मैम. अभी अभी इसमें क्या बाकी है? अभी हम इसमें ए टू सी एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है. राइट,
एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या देखते हैं, फिर से देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए होगा फ्रॉम ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से सी में, माइनस 100, 200 मीटर, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा, 300 को आगे गया था माइनस 100। अगर आप देखें तो ए से सी पर वो कहां पर है अभी एग्जैक्टली, 200 मीटर से वो आगे बढ़ा है। और टाइम कंप्लीट लेंगे, टाइम कितना था 150 प्लस 60 210, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर अपॉन 210 सेकेंड्स, 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। इसको भी सॉल्व कर लेना, 0.0 कुछ है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी समझ में आई, एवरेज स्पीड समझ में आई ए से सी जाने पर, यस मैम। ये क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, यस मैम। सभी को क्लियर है बेटा, यस मैम। किसी को नहीं क्लियर हो रहा हो कोई भी चीज, कहीं ऐसा लग रहा हो कि मैम जल्दी कर रही है या कुछ है, तो आप प्लीज पूछ लो साथ के साथ, जिससे कि आपको अगर कोई कंसेप्ट में किसी भी चीज में अभी डाउट रह गया है तो वह यहीं पे क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि वो पेंडिंग रह जाए जब एग्जाम टाइम तक, जब तक आपको फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चंस करने को मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट there is less traffic and the average speed is 30 km per hour, what is the average speed for Abdul's trip? ठीक है कि अब्दुल जब अपने स्कूल के लिए तरफ जा रहा था और ड्राइव कर रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 20 km per hour, और जब वो वापस आ रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड थी 30 km per hour। तो एवरेज स्पीड टोटल अब्दुल के ट्रिप की कितनी होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। फिर से देख लो, ये मान लीजिए अब्दुल का घर है और ये अब्दुल का स्कूल है, इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जब वो जा रहा है तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो वापस आ रहा है स्कूल से तब डिस्टेंस उतना ही रहेगा, मगर अब की बार स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो, तो उसके लिए ये पूरा उसका स्कूल से जाना और वहां से वापस आने में उसकी एवरेज स्पीड को कंप्यूट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब क्या है टोटल डिस्टेंस तो आप बता सकते हो, मैंने इसको क्या एज्यूम किया है, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल एक्स किया, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, मगर टोटल टाइम कैसे निकालो, मुझे स्पीड दी है और मुझे डिस्टेंस दिया है तो मैं टाइम कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास डिस्टेंस अपॉन मैं क्या कर दूं, स्पीड कर दूं, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब वो घर से स्कूल जा रहा है तब के केस में डिस्टेंस x होगा और उसकी स्पीड कितनी है, 20 है, तो x by 20 कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा, t1 में मान के चल रहे हो जब वो स्कूल घर से स्कूल जा रहा है, तो पहला टाइम तो कितना हो जाएगा x upon 20 प्लस जब वो घर स्कूल से घर आ रहा है तब भी डिस्टेंस तो x ही रहेगा मगर स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30। तो अब की बार t2 टाइम जो घर स्कूल से घर वापस आने में लग रहा है दैट इज x upon 30। तो टोटल टाइम के लिए हम क्या रखेंगे, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। ये चीज सबको क्लियर है, किसी को नहीं है तो पूछना। हमें क्या निकालना था,
हमें गिवन था कि अब्दुल अपने घर से स्कूल जा रहा है, जाते वक्त उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आर है, आते वक्त उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आर है, एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस हमें, डिस्टेंस गिवन ही नहीं था तो हमने अज्यूम कर लिया एक्स अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए डिस्टेंस एक्स है तो दोनों तरफ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स। और नीचे हमें क्या चाहिए होता है टोटल टाइम, तो पहले हम जाने का टाइम ले लें फिर वापस आने का टाइम निकालें। और टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हमने डिस्टेंस तो एक्स माना था और जाते वक्त स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आर, तो उससे हमारा जाते वक्त का टाइम टी वन निकल कर आ गया, उसको हमने प्लेस कर दिया। फिर आते वक्त का टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस वही रहेगा एक्स और स्पीड क्या हो जाएगी अब की बार 30 किलोमीटर पर आर, इससे हमें आते वक्त का टाइम टी टू पता चल गया, तो वो हमने एक्स अपॉन 30 प्लेस कर दिया। ऊपर हो गया टोटल डिस्टेंस, नीचे हो गया टोटल टाइम। टाइम हमें नहीं गिवन था तो हमने उसको, अगर आप यहाँ पे टी वन टी टू कुछ रखते तो आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स हो जाते, एक एक्स भी आपको नहीं पता और फिर आपको टाइम भी नहीं पता होता। तो आपने क्या किया कि टाइम को आपने एक्स के टर्म्स में इसीलिए निकाला है जिससे कि आपके पास एक ही वेरिएबल अननोन रहे। ये चीज समझ में आई है? यस मैम। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ऊपर न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 2x, डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लोगे इट विल बी 60 और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x अपॉन 5x बाय 60 या 5x अपॉन 60 और ये 60 न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 5x। x से x कैंसिल, 5 से 60 12 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड इज 24 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने? ऊपर हमने एज इट इज दोनों x को ऐड कर दिया 2x 24 मीटर 24 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर विल नॉट कम। हां सॉरी बिकॉज द यूनिट्स आर किलोमीटर पर आर, सो यू गेट द आंसर इज किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ा है। ठीक है, एलसीएम 60 लिया, 3x प्लस 2x आएगा वो बराबर 5x अपॉन 60, ऊपर न्यूमरेटर में 2x ही है, ये 60 क्योंकि डिनोमिनेटर के भी नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 5x, x से x कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल, 12 टाइम्स किया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। किसको डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ये क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट पे मूव करें। यस मैम। इतने स्टूडेंट्स में दो तीन की आवाज सुनाई देती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि बाकी लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा हेजिटेट मत करना, प्लीज पूछ लेना क्योंकि आपको ये आगे करके चल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इससे भी टिपिकल करने होंगे। निर्मित वीडियो ऑन रखो, आर्यन वीडियो ऑन कर रखो प्लीज, आर्या एंजल वीडियो ऑन करो बेटा, अधे सब लोग प्लीज वीडियो ऑन रखो। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस मैम। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, आपसे पूछे भी जाएंगे, आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A motorboat is starting from rest on a lake, accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does boat travel during this time? कि एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है
और फिर वो एक्सेलरेट कर रही है, और एक्सेलरेट कैसे कर रही है, 3 meter per second square के हिसाब से कॉन्स्टेंट रेट पे एक्सेलरेट कर रही है। और एक्सेलरेट करने में यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज करते हैं जब टाइम के साथ, उसी को एक्सेलरेट करना कहते हैं। तो उसे एक्सेलरेट करने में उसको कितना समय लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा है या डिस्टेंस पूछा है, हाउ फार, ठीक है। अब आपको देखो क्या क्या चीजें गिवन है वो पहले इसमें जॉट डाउन करेंगे। आपको कह रहे हैं मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 meter per second, एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ हाउ मच, कितना दिया एक्सेलरेशन पर सेकंड, हाउ मच, 3 meter per second, 3 meter per second square, 3 meter per second square है बेटा। पर सेकंड में तो स्पीड होगी ना या वेलोसिटी होगी, ओके। और कितना टाइम लग रहा है, 8 seconds, 8 seconds इसको एक्सेलरेट करने में, ठीक है। और मम्मी 8.0 एंड 3.0 कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई उसका कुछ को नहीं है, पॉइंट के आगे जीरो डायरेक्ट लगाओ, कोई वैल्यू नहीं हो तो क्या है वो आपको उसको आप कंप्लीट नंबर की तरह से काउंट करोगे। आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, हाउ फार, फार मतलब कितना दूर वो जाएगी। तो अब ये बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन का यूज किया जाएगा, मैम s is equals to ut plus half at square, yes, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यूज करोगे इसमें, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड टाइम की जरूरत है, ठीक है। तो अब इसको में हम वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि हमें एस कैलकुलेट करना है। u इज इक्वल टू 0 multiplied by 8 प्लस हाफ इंटू 3 आपको एक्सेलरेशन दिया है मल्टीप्लाइड बाय 8 into 8, ठीक है। 0 into 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 से ये 8 कैंसिल 4 टाइम्स गया और ये कितना हो जाएगा 96, हाउ मच 96, 3 4 12 96, ठीक है। अब s बराबर कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 96 meters, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो क्या होगा मीटर्स में आएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, किसको इसमें डाउट, हमें जो चीजें गिवन थी अब आपको याद आ रहा है, हम जो बार बार कहते थे कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो हमें कैसे पता चलेगा, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसको नोट डाउन करने के बाद हम देखते हैं कि इनसे कौन सा रिलेशन, कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हम और भी यूज कर सकते हैं ना, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बेटा आपको v नहीं पता है इसमें, या तो आप v पहले कैलकुलेट करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, v is equal to u plus at, u plus at से देखो उससे भी आंसर आ जाएगा, पहले आप क्या करो v कैलकुलेट करो u plus at करके, u कितना दिया है, a दिया है, t दिया है, v कितना आ गया 24 meter per second, आप क्या करो v square minus u square is equal to 2as, ठीक है, v square यानी 24 multiplied by 24, माइनस यू स्क्वायर यानी माइनस जीरो होगा क्योंकि वो कितना है 2 into 3 into s, यानी 24 multiplied by 24 divided by 2 multiplied by 3 is equal to s, 12 3 8 12 8 96, बट आपको क्या करना पड़ा, इसमें दो इक्वेशंस का यूज करना पड़ा, पहले आपको पहली इक्वेशन से क्या निकालना पड़ा v, और दूसरी इक्वेशन से
फिर आपने एस निकाला और इसमें क्या है डायरेक्ट फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से ही आपका एस कैलकुलेट हो जा रहा है. ये क्लियर है? यस मैम. यस मैम. सभी को क्लियर है ये इक्वेशन? क्वेश्चन नंबर क्या था? फोर्थ था ये? यस मैम. यस मैम. फिफ्थ था. यस मैम. आप लोग खुद सॉल्व कर पा रहे हो बेटा? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं बता रही हूँ तभी आपको समझ में आ रहा है. आप लोग खुद ट्राई कर रहे हो तो हो रहे हैं ना क्वेश्चंस? यस. अभी मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगी, उसमें भी मैं आपके क्वेश्चंस दूंगी, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चंस मिलेंगे. तो आप उनको प्रैक्टिस घर पे जरूर करना, जिससे क्या हो कि मैंने आप ही को एग्जाम्पल बताया था वो स्विच लाइट वाला, रात को जब सोते हैं तो आप ही किस क्लास में बताया था कि हम बार बार एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? नहीं बताया था? No, ma'am. मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल No, ma'am. बताया कि अगर आप नए घर में गए हो और आपको लाइट के जो स्विचेस होते हैं वो नहीं पता है कि कौन से फैन ऑन होता है या किस स्विच से आपका लाइट ऑन होती है, ठीक है? तो आप कई दिन तक प्रैक्टिस करते हो, बार बार सारे बटन ऑन ऑफ करके देखते हो, तब आपको याद होता है कि इससे लाइट ऑन होती है, इससे फैन ऑन होता है, ठीक है? या आप सिंपली कह लो कि इससे मेरा फैन ऑन होगा या ऑफ होगा. अब क्या होता है कि ये कैसे होता है कि आप रोजाना उसको जब बटन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते रहते हो तो उससे आइडिया आता है. एक टाइम के बाद आपकी ऐसी हैबिट बन जाती है कि आप रात को सोए भी होते हो तो अचानक से आपने कोई बुरा सपना देखा, आप एकदम से हाथ आपका कहाँ जाता है, उसी पर्टिकुलर स्विच पर जाता है. और आपको ये भी पता होता है सोते सोते कि स्विच बोर्ड मेरे राइट साइड में है या मेरे लेफ्ट साइड में. एकदम से ऑटोमेटिकली क्या होता है, राइट की तरफ अगर स्विच बोर्ड है तो राइट हैंड साइड में ही हाथ जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि इतनी बार आपने उस चीज को किया है कि आपके ब्रेन में वो सेट हो जाती है. वही चीज में क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में आप लोगों से चाहती हूँ या कोई भी कंसेप्ट में कि चलते फिरते सोते जागते भी अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो आपके ब्रेन में इस तरीके से सेट हो जाए कि आपसे कोई पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सको. और वो कैसे होगा? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू रिपीट द थिंग्स बाय योर ओन, बार बार अपने आप से करो. अगर मम्मी ये बताते रहे वो स्विच बोर्ड में लेफ्ट से सेकेंड वाला बटन तो क्या होगा, आपको तब तक याद नहीं रहेगा जब तक आप खुद उसको रोजाना प्रैक्टिस नहीं करोगे. साइकिल चलाना आपको अगर खुद से नहीं छोड़ा जाता, पीछे से जो करियर होता है, कैरियर आप जो बोलते हो, वो अगर पीछे से साइकिल का कैरियर चलाते वक्त पापा या मम्मी नहीं छोड़ते तो क्या साइकिल चलानी आती? अपने आप से कभी बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है? उसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. टीचर आपको बता दे, समझा दे, आप यूट्यूब से देख लो वीडियोस, आप कहीं पर भी नेट से कुछ चीजें सर्च कर लो, आंसर टू दीज क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के सब नेट पे भी मिल जाते हैं. बट जब तक आप सेल्फ अटेम्प्ट नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को, यू वोंट बी गेटिंग दी आंसर्स राइट. आपको एग्जाम में भी आंसर्स तब तक सही नहीं आएंगे जितना प्रैक्टिस. मैथ्स में भी यही होता है, एक एग्जाम्पल टीचर ने बता दिया, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बट जब चैप्टर ओपन करके वही एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करने बैठते हो और दो तीन अलग अलग टाइप के नहीं कर लेते हो, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो पर्टिकुलर क्वेश्चंस. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ओके, समझ रहे हैं? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which two cars traveled farther after the brakes were applied? अब समझो इस क्वेश्चन को. एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहा है गाड़ी और अचानक ब्रेक अप्लाई करता है और
accelerates uniformly in the opposite direction. ये questions में इस तरीके का आएगा, uniformly in the opposite direction acceleration. यानी break लगाने के बाद ये क्या हो रहा है? Retardation हो रहा है. Acceleration अगर motion के opposite direction में हो, इसका मतलब speed slow down कर रही है, या break लगने से क्या हो रहा है? Body stop हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और 5 सेकंड के बाद क्या हो गया, ब्रेक लगाने से वो रुक गया. अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरा ड्राइवर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और उसने जब ब्रेक अप्लाई किए तो वो कितनी देर में जाके रुका, 10 सेकेंड जाके रुका. तो आपको एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों को प्लॉट करना है और आपको कौन सा इसमें ग्राफ यूज करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है दोनों कार्स के लिए. तो पहले कार ए के लिए हम क्या ले लें, स्पीड दे रखी है कितनी, 52 किलोमीटर पर और टाइम कितना दे रखा है बताओ, 3 सेकेंड्स. Yes. कार बी के लिए कितनी स्पीड दी है? No, ma'am, 5 seconds. Sorry. Ma'am, 5 seconds है. 3 seconds किसने हुआ? और इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लग रहा है? 10 seconds. वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ प्लॉट करो. यहाँ पर टाइम रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे, स्पीड रखोगे, ठीक है? अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ग्राफ को प्लॉट करना है. तो कार ए कहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ कहीं 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 52 किलोमीटर, और ये कितने टाइम में कर रही है, अगर हम यहाँ पे 0 और यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेते हैं तो वो 5 सेकेंड्स के बाद यानी यहाँ कहीं होगी, 5 सेकेंड्स यहाँ होगा 4 और 6 के बीच में, ठीक है? तो 52 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ये होगा उसका ग्राफ. क्या कर रही है, 6 सेकेंड्स के बाद बॉडी स्टॉप हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए हैं. तो 52 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही थी और कितना हो गया, 6 सेकेंड्स. ये किसके लिए है, ये ए कार के लिए है. और दूसरी कार कितनी, मान लो 3 पे चल रही थी, 3 कहीं यहां पर है 3 किलोमीटर पर आवर और वो कितने टाइम के बाद जाके रुकी, 10 सेकेंड्स के बाद. तो 10 सेकेंड्स यहाँ है, इसको आप ज्वाइन करो तो 10 सेकेंड्स ये आएगा. ये भी क्या हो रहा है, ये डेसिलरेशन हो रहा है दोनों में. हमने बताया था रिटार्डेशन में ग्राफ कैसा होता है, स्लोप इस तरह से नहीं जाके, स्लोप कैसा होता है, नीचे की तरफ आता है. Yes. Yes. टाइम ग्राफ से. Okay? तो क्या हो रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर से कहाँ आ गई, 5 सेकेंड्स के बाद ब्रेक लगाने से वो स्टॉप हुई. और ये 3 किलोमीटर पर आवर किस वेलोसिटी से चल रही थी या स्पीड से चल रही थी और 10 सेकेंड्स के बाद जाके स्टॉप हो गई, ठीक है? तो अब नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछा है, ये तो आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, विच ऑफ टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, कि कौन सी कार ज्यादा दूर चली जब ब्रेक अप्लाई हुए तब तक, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या पता चलता है, मैंने आपको बोला था कि स्पीड टाइम ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो या डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है? डिस्टेंस फॉर कार ए, डिस्टेंस कार ए का करना है तो उसकी वेलोसिटी रखेंगे कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स. अब ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, मीटर पर सेकेंड. 52 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 इनटू 5, कैंसिल करो,
ये आ रहा है 26 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 9 या फिर 26 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, छोड़ दूं यहां पर, ये मीटर पर सॉरी ये किस में आ जाएगा, मीटर्स में डिस्टेंस आ जाएगा। मैम 650 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 9 तो ये कितने टाइम्स जाएगा, नाइन सेवन जा 63, टू नाइन टू जा 18, टू कुछ इतना आएगा, फिर तो इतना ही आ रहा है सबका। मैम पॉइंट में लाना कंपलसरी है या फिर ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं? फ्रैक्शन में फिर मैंने ये चीज पता नहीं आपकी क्लास में बताई थी नहीं बताई थी, फ्रैक्शन में कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता अगर 9 बाय 650 होता तब आप छोड़ सकते थे, बट 650 अपॉन 9 में डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते। या तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या फिर इसको डेसिमल्स में कैलकुलेट करके छोड़ो। ठीक है, ज्यादातर डिस्टेंसेस को हम फ्रैक्शंस में मेजर नहीं करते, उनको मीटर्स वगैरह में मेजर करते, तो पॉइंट्स डेसिमल्स में लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए व्हेन इट अप्लाइड ब्रेक्स। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये सभी का ऐसे ही आ रहा है किसी का कुछ अलग आ रहा है? नहीं मैम ऐसे ही आ रहा है। ऐसे आ रहा है, ठीक चलो। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी का वेलोसिटी इनटू टाइम 3 5 बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 25 by 3 कितना करीब आ रहा है, 8.3 मीटर्स। सॉल्व किया हमने? यस मैम। मैम 8.3 पे बाहर आएगा? हाँ जी मैम 3 पे बाहर आएगा, कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। हाँ 3 पे बाहर आएगा। ठीक है मैम, लास्ट में भी ऐसा था, 72.2 पे भी बाहर था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्लियर है। इन वैल्यूज में जैसे आपके ये डिस्टेंस वगैरह होते हैं ना, इन केस अगर आप बार भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस अब आप मेजर करते हो तो बार की जरूरत नहीं पड़ती। आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो भले ही वैल्यू रिपीट हो रही है वो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, मगर आप उस डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो बार का यूज कैसे करोगे। ठीक है, तो इतना भी चलेगा अगर आप इतना भी छोड़ोगे तो। हाँ ऐसे करते हैं, इतना तो आपको पता होगा मैथ्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ जो करते हैं कि अगर आपकी 8.35 वैल्यू आई या 8.36 आई greater than next second value after decimal, if it is greater than 5 or equal to 5 or greater than 5 तो आप इसको round off करके 8.4 हो जाएगा। और अगर ये value होती है 8.32 तो आप उसको 8.3 तक भी छोड़ सकते थे। ठीक है, ये maths के according चलता है इतना। ठीक है, round off करके जब आप लिखते हो, clear है ये question, रख कर दो। yes ma'am। तो कार ए फार्दर चली, दोनों का कितना रास्ता निकल के आया, दोनों का डिस्टेंस कितना कैलकुलेट हुआ, पहले का कितना आ रहा था 72.2 75 और कितना आ रहा है 8.3। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार ए क्या होगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो आपको अपने
टाइम हो गया कि बेटा? हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग आगे डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने। तब तक आप लोग क्या करना, इनको और प्रैक्टिस करना और मैं आपको वर्कशीट जो दूंगी उससे आप और प्रैक्टिस करेगा, ठीक है? मैम मंडे आपका क्लास होगा? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास आपका ही होगा ना? नहीं बेटा, नेक्स्ट शायद आपका मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री होगा। फाइन, ओके मैम, ओके बाय मैम। बाय बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम।